मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह है और सबसे पहले तो मैं शहरी पंचायत के सभी भाई को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरी पत्नी 11 में मुखिया बनी थी, 11 से लेकर लगातार 16 तक मैंने काम किया। पंचायत के पांचों गांव में काम किया, जो सरकार का फंड था उस फंड से काम किया। पांचों गांव में काम करने के बाद जो है वह पूरा काम नहीं हो सका तो अधूरा रह गया, लेकिन हमें विश्वास था कि फिर मैं 16 में आऊँगा और पंचायत के पूरा काम को कर दूँगा। लेकिन बहुत कम वोट से हमें पराजित हो जाना पड़ा। हारे तो नहीं, लेकिन क्योंकि छाप के चलते मेरा हार हो गया, कुछ वोट जो है गलत हो गया जिसके कारण हार हो गया। लेकिन जनता हमें, कोई भाई हमको हराए नहीं। मेरे किस्मत में आपका क्या लगता है? इस बार तो है कि लगता है कि एकदम एक तरफा वोट है, सभी पांचों गांव में एक तरफा वोट है। सभी लोग कहते हैं क्या मुखिया जी निश्चिंत से रहिए, कोई टेंशन नहीं है, सब उठ पुट के आया है, दौगल चल रहा है, उन लोग के कुछ मिलेगा नहीं, आपको बहुत वोट से जीत होगा। फिर भी हम सब जगह जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं कोई अब है नहीं, टोटल वोट हम ही को मिलेगा। आप जब चुनाव जीतिएगा इस बार का, तो आपका मुख्य किस काम पे नज़र होगा? मुख्य काम होगा कि पंचायत में नाला जो है बहुत अभी खराब होल है, बहुत सभी पांचों गांव में खराब होल है। उस नाला को हमको सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि साफ सुथरा रहना जरूरी होता है। तो सबसे पहले गांव पांचों गांव को नाला को ठीक करना है। अब रोजगार के ऊपर क्या ध्यान देंगे? रोजगार तो सरकार का प्रावधान ही है कि 7 निश्चय में 1 तो हो गया, 2 में है कुटीर उद्योग योजना जो है और इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम रोजगार में उन लोग को 1 लाख से 5 लाख तक लोन का प्रावधान है सरकार के तरफ से है, तो उसमें हम सभी लोग को कोशिश करेंगे कि दे। वो मुखिया के ही पावर है देने का, तो मुखिया जो बनेंगे तो हम देंगे। और मनरेगा के द्वारा जो काम होता है, जो बेरोजगार लोग को वहाँ भी काम मिलता है, तो वो काम भी हम करावेंगे लोग को। और कुछ NTPC में जो है काम होता है, तो वहाँ भी लोग को बहाल करावेंगे, उस समय हम मदद करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? ग्रामीण महिलाओं के लिए भी कुटीर उद्योग से ही आता है, सिलाई मशीन वाला आता है देने का, या जीविका से भी जोड़ने का रहता है उसमें भी, तो उन सब की करावेंगे हम। आपका जो कार्यकाल रहा था बहुत बढ़िया रहा था, क्या आप उसी रूप में फिर से आएंगे या रूप कोई चेंज होगा? नहीं नहीं, उसी रूप में रहेंगे और उससे ज़्यादा में रहेंगे। आप पंचायतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायतवासियों से यही निवेदन है कि इस बार जो है मेरी पत्नी खुद हम ही को कैंडिडेट बना दी है, कहा कि आप ही लड़िए, और हम ही को आशीर्वाद भी दी है। तो हम इस बार हैं मैदान में और सभी लोग से निवेदन करते हैं कि फिर हमें एक बार बना करके सभी लोग देख लें, क्योंकि आप लोग के साथ सब दिन रहे हैं और सब दिन रहेंगे। और अभी तो दीपावली ही आ रहा है, छठ पर्व आ रहा है, तो पहले तो ये पर्व है, इस पर्व में जो है अपने पंचायत वासियों को नमस्कार करते हैं, शुभकामना देते हैं कि सभी लोग अच्छे ढंग से गुजारे हिमाहे। उसके बाद तो फिर महापर्व आ रहा है, इलेक्शन है 24 के, तो फिर उसमें लोग भिड़ेंगे।